एमपी में भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर एक बार फिर से छात्र संगठन सड़कों पर है। छात्र संगठनों का गुस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में ये छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये सब उन भर्तियों को लेकर नाराज है, जो चाहे जिनमें भर्तियों में फर्जी वाले हुए, पटवारी की परीक्षा हो या व्यापार से जुड़ी परीक्षा हो। यहाँ पर देखो आपको बड़ी संख्या में जो नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन से जुड़े हुए छात्र वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और धरना देते हुए। हम इनसे बात भी करते हैं, क्या क्यों धरना दे रहे हैं आप, क्या पटवारी के क्या पैसे क्योंकि जो टॉपर थे वो सारे पैसे दे दिए, जो टॉप चल में लड़के आया था कोई भी सामने हाल को नहीं है। कई न्यूज चैनल उनसे संपर्क किया लेकिन वो सामने दिखा रहे हैं, उनको बेहतर जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश में कितने जिला है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। सर ये तो इतनी छोटी बात पता नहीं तो टॉपर कैसे बन गए, यदि वो टॉपर बन गए पैसे देकर, इसलिए हम जैसे युवा जो मेहनती है उनका समर्थन नहीं हो पाया। और सर इसमें जो लोग कह रहे हैं कि फर्जी नहीं हुआ, तो शिवराज सिंह चौहान जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने खुद माना था फर्जी हुआ और जाए आगे जो नई सरकार बनी है सही तरीके से नहीं करवाई और ये सार्वजनिक कर रहे। मैंने 6 महीने पहले एग्जाम दिया था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अभी तक वेट कर रहा हूँ उसका, क्यों नहीं आ रहा, कहीं टाइम लग रहा है इतना, ये बताना चाहिए उनके नाने। आपका क्या कहना, क्यों आंदोलन रहते, क्या नाराजगी सर? परीक्षाओं में गड़बड़ हुई है और कौन सी परीक्षा है जिनसे नाराजगी? सभी परीक्षा में तो गड़बड़ है, अभी ऐसा है कि वैकेंसी भी नहीं दे रहे, वो 7 साल हो गए कब तक तैयारी कर रहे हैं और पोस्टेबल का भी रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। 6-7 महीने से रनिंग करे जा रहे हम, तो रिजल्ट देना चाहिए, हर काम टाइम से करना चाहिए। क्या मांगे? टाइम से कर देते, टाइम से हर चीज होना चाहिए हमें, हमारी मांग तो यही है। और रिजल्ट अभी समय पे दे, और जो फर्जीवाड़ा है ना उसे रोका जाए, और जो हुआ उसे अभी सीबीआई जांच करके सामने लाए, हमारी मांग यही है। पटवारी भर्ती परीक्षा हो या फिर एसआई की भर्ती परीक्षा या जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको लेकर यहाँ पर छात्र संगठनों की नाराजगी है। वे यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांग है कि परीक्षाएं समय पर होना चाहिए और जितनी भी परीक्षाएं हुई है वो पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल।